बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। पिछले वीडियो में नर समीकरण पर आधारित हमने न्यूमेरिकल बताए थे और उसी पर आधारित फिर न्यूमेरिकल है। नर समीकरण के आधार पर किसी भी सेल के अंदर यदि साम्य स्थिरांक आ जाता है, साम्यावस्था आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं। तो चलिए हम पहले इसको साम्य स्थिरांक कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला क्या है, तब उस पर आधारित न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर नर समीकरण से साम्य स्थिरांक केसी कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो बेटा, गैल्वेनिक सेल पर आधारित डैनियल सेल, ठीक है, अगर डैनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल में हम दो बर्तन लेते हैं और एक में मान लेते हैं जेडियन राड, एक में कॉपर राड ले लेते हैं, इसको लवण सेतु से जोड़ देते हैं और यहाँ परिपथ पूरा कर देते हैं वोल्टामीटर लगा कर। यहाँ पर जेडीएन एनोड का कार्य करता है, ये कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हम डैनियल सेल लेते हैं, ठीक है ना, और उस डैनियल सेल का यदि हम परिपथ को बंद कर दें, तो परिपथ को बंद कर देने पर यह देखा जाता है कि जेडीएन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है और कॉपर के आयन की सांद्रता में कमी होती है। तो जब सांद्रता में वृद्धि होती है परिपथ बंद कर देने पर डैनियल सेल और कॉपर के आयन की सांद्रता में कमी होती है, तो देखा जाएगा तो वोल्टामीटर वो जब कमी होती है सांद्रता, पहले तो बढ़ेगी जिंक की, परिपथ को बंद कर देंगे, जब बंद करेंगे तो जेड आयन की सांद्रता गिरती जाएगी, कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, तो एक ऐसा समय आएगा कि वोल्टामीटर का जो सूचकांक है शून्य हो जाएगा। और यही वोल्टामीटर का सूचकांक शून्य होगा तो समझ लेना चाहिए कि जेडियन आयन और कॉपर आयन की सांद्रता जो है साम्यावस्था में आ गई है। जब साम्यावस्था में आ जाती है तो कैसे नर समीकरण के द्वारा हम उस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं, यहां पर ध्यान दें। मान लेते हैं कि डैनियल सेल के बंद परिपथ में निम्न अभिक्रिया होती है, ये जेडीएन प्लस सॉलिड है, ये कॉपर इक्वल सॉल्यूशन है, ये यहाँ पर ये इक्वल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नर अच्छा वोल्टामीटर जब शून्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान जीरो होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस होता है तो जीरो हो गया, उसी सेल पर आधारित हमने इसको लिख दिया। आर का मान पहले बता चुके हैं हम, टी का भी मान बता चुके हैं, जब उसमें रखते हैं तो यह फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करेंगे आएंगे तो यह प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा। अब यहां पर देखो जेडीएन टू प्लस पी टू प्लस है, जब दोनों आयनों की सांद्रता समान हो जाती है, साम्यावस्था आ जाती है, इसी दोनों को हम लिखते हैं केसी। क्या लिखेंगे? केसी लिखेंगे। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पर आधारित हम न्यूमेरिकल, पेज नंबर एनसीआरटी की बुक में 73 है, उदाहरण नंबर 302 है, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। कैसे परिकलित करेंगे? ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और ई नॉट सेल का मान भी सवाल में ये दिया हुआ है, यहां से सॉल्यूशन सही शुरू है। तो हम जानते हैं कि ये सूत्र होता ही है। ठीक है, जब ये सूत्र होता है तो यहां पर लाग केसी बराबर यदि लिखेंगे तो यह इस तरह इसको लिख सकते हैं। यहां पर ई सेल का मान यहां पर सवाल में दिया है, इसको मान रख दिए। यहां यन का मान दो है, यहां पर टू पॉजिटिव है, टू पॉजिटिव है तो यन का मान दो है, सवाल में रख दिए, तो लाग केसी का मान 15.6 आया। और लाग केसी का यदि हम एंटी लाग लेंगे तो एंटी लाग इतना होता है। अब कहेंगे कि सर कैसे एंटी लाग? तो बेटा ध्यान रखना, सवाल जब इस तरह देगा तो इसका मान प्रश्न में लाग केसी का एंटी लाग इतने का मान ये दिया रहेगा तो आपका आंसर ये हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार अब लॉगरिथम में एंटी लाग दिया रहता है तो आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखा जाता है कि अगर इस तरह दिया जाता है तो एंटी लाग का मान दे देता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।